तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं एस्टेट का नेक्स्ट ड्रामा का एमसीक्यू, द रोवर बाय ओफरा बेहन। ओफरा बेहन के द्वारा ये लिखा गया प्ले है, बहुत इम्पोर्टेंट प्ले है, ठीक है, ओमेन का लिखा हुआ प्ले है, जिसमें से हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं। प्रोलॉग का जो भी एमसीक्यू बनते हैं आज डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग एक्ट बाय सीन वाइज और लाइन बाय लाइन एमसीक्यू करेंगे। तो आइए हम लोग करने वाले पहला क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग को देखने को मिलता है तो द रोवर वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड ऑन स्टेज इन व्हाट ईयर, यानी रोवर को किस ईयर में स्टेज पर मंच पर फर्स्ट में परफॉर्मेंस किया गया था। तो बताएंगे 1777, 1660, 1650, 1672 और 1677। तो राइट आपका ऑप्शन हो जाता है डी नंबर, यानी 1677। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका यहाँ, व्हाट वाज अनयूजुअल अबाउट द ऑथर ऑफ दिस प्ले, इस प्ले का जो ऑथर है उनके बारे में क्या अनयूजुअल था। ऑथर वाज ए 90 इयर्स ओल्ड मैन, नेक्स्ट है द ऑथर वाज ओनली 11 इयर्स ओल्ड, और नेक्स्ट है द ऑथर ग्रू वर्चिट्स एज ए हॉबी, और नेक्स्ट है द ऑथर वाज ए वुमेन। तो आपका राइट हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द रोवर इज कंसिडर्ड टू बी व्हाट काइंड ऑफ प्ले, रोवर जो है किस प्रकार का प्ले होने को माना जाता है, है ना, किस प्रकार का प्ले माना जाता है। देखिए शेक्सपियरियन है, स्केच कॉमेडी है, या सिचुएशन कॉमेडी है, या रेस्टोरेशन कॉमेडी है। तो आपका ये रेस्टोरेशन कॉमेडी है, डी नंबर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द रोवर कंट्रास्ट व्हाट टू थिंग्स, रोवर जो है ये हम लोग प्रोलॉग का एमसीक्यू कर रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट जो भी कोई प्रश्न बनते हैं वो कर रहे हैं। द रोवर कंट्रास्ट व्हाट टू थिंग्स, जो क्या दो चीज है, उस दोनों चीजों में कंट्रास्ट, रोवर जो कंट्रास्ट करता है ना, विरोधाभास करता है, ये बताता है। देखिये गुड वर्सेस इविल, हाउ द कैरेक्टर्स एक्ट और नेक्स्ट वर्सेस अदर एक्टिंग एबिलिटी, नेक्स्ट है द मोंटेक्स एंड द कैपुलेट्स, नेक्स्ट है व्हाट द कैरेक्टर्स से वर्सेस एंड हाउ दे एक्चुअली फील। राइट हो जाएगा आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फाइव, अकॉर्डिंग टू द प्ले राइट द ऑडियंस कम्स टू सी द रोवर फॉर व्हाट रीजन, प्ले राइट के अनुसार अनुसार है कि ऑडियंस जो है किस कारण से रोवर को देखने के लिए आते हैं। तो देखिए, टू बी मूव्ड बाय द ब्यूटीफुल एक्टिंग, द विटी कमेंट्स दे विल बी एबल टू मेक आफ्टर द प्ले, एंड टू सी स्किम्पी कस्टम्स और द अमेजिंग एक्रोबैटिक्स दे विल सी। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई इज द प्लेराइट स्पीकिंग इन द प्रोलॉग एज ए मैन, बताना है कि एक मैन के रूप में जो है प्रोलॉग में प्लेराइट क्यों कह रहा है। तो बताना है, द प्ले वॉज रिटन बाय ए मैन, द ऑडियंस इज ऑलवेज जस्ट मैन, द ऑडियंस इज डिफ एंड द ऑडियंस प्रिफर्स ए मेल प्ले राइट ओवर ए फीमेल। तो आपका राइट हो जाएगा डी। ओके, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, आपका पूरी एस्टेट का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जिसे आपको आसानी से वीडियो मिल सके और आप एमसीक्यू कर सके।
हम लोग लाइन बाय लाइन एमसीक्यू करने वाले हैं। ओके बाय। कमेंट करके बताइएगा कि लाइन बाय लाइन एमसीक्यू चाहिए या नहीं चाहिए। थैंक यू।